हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, जिसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, उस एग्ज़ाम में आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं देखोगे। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है, यानी कि इस वीडियो सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल होता है, यानी कि जो स्क्रीन की भाषा होती है वो इंग्लिश होती है और उच्चारण हिंदी में होता है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ जो कि आपके जीके पोर्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कीजिए, आपको इस सीरीज़ का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द ऑल गर्ल टीम टेक विचेस। रिसेंटली एक गर्ल की टीम है, यानी कि सभी की सभी गर्ल हैं, जिसका नाम है टीम का टेक विचेस फ्रॉम नोएडा। ये कहाँ से है? नोएडा से। इन्होंने एक मोबाइल ऐप को डेवलप किया है, इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है, जो कि कनेक्ट करेगा चिल्ड्रन को सीनियर सिटीजन के साथ। ओल्ड एज में जो रहती हैं सीनियर सिटीजन, आपके ऑप्शन हैं मिलाप, मैत्री, मिलन और सखी। ये जो मोबाइल ऐप डेवलप की गई है इसका नाम है मैत्री, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, मैत्री। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते ही हैं जो भी गर्ल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये सभी की सभी गर्ल हैं, यानी कि पूरी टीम है, सभी के सभी गर्ल हैं। इन्होंने एक मोबाइल ऐप को डेवलप किया है जिसका नाम है मैत्री। ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा जो चिल्ड्रन हैं उनको करेगा सीनियर सिटीजन के साथ, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, मैत्री। नोएडा कहाँ लोकेटेड है? नोएडा लोकेटेड है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी, अब इन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, साइंटिस्ट्स एट विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड द बिगेस्ट एवर कंप्यूटर चिप यूजिंग कार्बन नैनो ट्यूब्स। किस आईटी के साइंटिस्टों ने एक डेवलप किया है बिगेस्ट एवर कंप्यूटर चिप जिसमें यूज़ हुआ है नैनो ट्यूब्स, इसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है मैस्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और लास्ट ऑप्शन है ग्रेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ये बिगेस्ट एवर कंप्यूटर चिप को डेवलप किया है, ये किया है मैस्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, यानी कि MIT ने, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, मैस्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये MIT कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है ये मैस्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने डेवलप किया है बिगेस्ट एवर कंप्यूटर चिप जिसमें यूज़ हुआ है कार्बन नैनो ट्यूब्स, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा है, उसका आंसर होगा अगेन मैस्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो लोकेटेड है USA में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो है MIT USA, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक चीज़ और याद रखनी है आपने इस क्वेश्चन से, जो ये बिगेस्ट कंप्यूटर चिप है इसका नाम है RV16X नैनो। ये 16-bit प्रोसेसर है जिसमें 14,000 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स इलेक्ट्रिक स्विचेस लगे हुए हैं 14,000, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच हैज़ बैग्ड बेस्ट नवरत्न अवार्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी एट डुन एंड ब्रैड स्ट्रीट PSU अवार्ड्स। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी बेस्ट नवरत्न अवार्ड मिला है, किस PSU को बेस्ट नवरत्न अवार्ड मिला है मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में, जो कि डन एंड ब्रैड्स स्ट्रीट PSU अवार्ड में अनाउंस हुई है। आपके ऑप्शन हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। जो ये बेस्ट नवरत्न का अवार्ड मिला है ये मिला है HPCL को, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, HPCL, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा, यहाँ पर पेट्रोलियम आएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसको मिला है बेस्ट नवरत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ विच कंट्री विल बी रेलोकेटेड
टू द प्रोविंस ऑफ ईस्ट कालीमंटन ऑन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, किस देश की राजधानी को बोर्नियो आइलैंड पर पूर्व कालीमंतन प्रांत में स्थानांतरित किया जाएगा। ये बोर्नियो आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया। ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। आपको पता ही है लास्ट ईयर क्या हुआ था, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स को दो सिटी ने होस्ट किया था इंडोनेशिया के, जकार्ता और पैलमबैंग ने। बट जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे वो हुए थे जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द अंडर 14 बॉयज़ चैंपियनशिप ऑफ सोबर्तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन अगस्त 2019। अंडर 14 बॉयज़ चैंपियनशिप हुई है सोबर्तो कप, आपको पता ही है फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका टूर्नामेंट हुआ है अगस्त 2019 में। इसको किसने जीता है? आपके ऑप्शन है यूनिक मॉडल अकेडमी ऑफ मणिपुर, सैडन सेकेंडरी स्कूल मिजोरम, द असम वैली स्कूल और लास्ट ऑप्शन है संत एडमंड स्कूल मेघालय। इस चैंपियनशिप को जीता है सैडन सेकेंडरी स्कूल मिजोरम, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, सैडन सेकेंडरी स्कूल मिजोरम, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द आरबीएल बैंक एंड सैमसंग इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ सैमसंग पे फॉर आरबीएल बैंक्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। आरबीएल और सैमसंग ने किसके साथ मिलकर अनाउंस किया है कि वो एक सैमसंग पे को लॉन्च करेंगे फॉर आरबीएल बैंक्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स? आपके ऑप्शन है मास्टर कार्ड, पेपैल, कैपिटल वन, अमेरिकन एक्सप्रेस। आरबीएल और सैमसंग ये अनाउंस किया है मास्टर कार्ड के साथ, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, मास्टर कार्ड। ये तीनों मिलकर एक सैमसंग पे के लिए आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा मास्टर कार्ड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन नेशनल टू कम्प्लीट द ला अल्ट्रा द हाई मैराथन। फर्स्ट इंडियन नेशनल कौन बने हैं जिन्होंने कम्प्लीट किया है ला अल्ट्रा द हाई मैराथन? आपके ऑप्शन हैं आशीष कासोदेकर, बुधिया सिंह, फौजा सिंह, अशोक नाथ। ला अल्ट्रा द हाई मैराथन को फर्स्ट नेशनल बने हैं, इंडियन बने हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है आशीष कासोदेकर, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, आशीष कासोदेकर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सेवन्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन डैश इन अगस्त 2019। हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन फॉर स्कूल एजुकेशन, इसका क्या नाम है? अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है विद्या, शगुन, कुंजी और परिश्रम। जे इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है शगुन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, शगुन। हमारे मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए कमेंट में लिखकर, देखते हैं कौन बताता है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड द चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स इन अगस्त 2019। रिसेंटली चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स रिलीज हुआ है 2019 में अगस्त में, इसको किसने रिलीज किया है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड विजन इंडिया, IFMR लीड, चाइल्ड राइट्स एंड यू, बोथ ए एंड बी और बोथ बी एंड सी। चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स को रिलीज़ किया है बोथ ए एंड बी ने, यानी कि वर्ल्ड विजन इंडिया और IFMR लीड, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन, इंश्योरेंस रेगुलेटर इडई, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इडई स्टैंड करता है, हैज सेट अप अ सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर इट्स डैश इनिशिएटिव। इंश्योरेंस रेगुलेटर इडई ने एक सेटअप किया है सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, किस इनिशिएटिव के लिए लॉन्च किया है ये? आपके ऑप्शन है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट और नन ऑफ दीज। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सेटअप किया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव के लिए लॉन्च किया है इन्होंने सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया।
सुभाष चंद्र खुंटिया हैं चेयरमैन ऑफ ईडी, ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली अ मोबाइल ऐप वाज लॉन्च्ड टू हेल्प पैरा एथलीट्स टू लुक अप एक्सेसिबल प्लेसेस इन डैश ड्यूरिंग देयर विजिट टू द सिटी फॉर द 2020 पैरालंपिक्स गेम्स। रिसेंटली एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जो हेल्प करेगा पैरा एथलीट्स को, पैरा एथलीट्स को हेल्प करेगा। वो कहाँ पर, किस प्लेस पर लॉन्च किया गया है? ड्यूरिंग देयर विजिट टू द सिटी फॉर 2020 पैरालंपिक्स। बस आपको ये पता होना चाहिए पैरालंपिक्स 2020 में कहाँ पर होंगे। आपके ऑप्शन हैं दुबई, बीजिंग, टोक्यो और बैंकॉक। ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है टोक्यो में, जापान की कैपिटल टोक्यो में लॉन्च किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, टोक्यो। ये क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि जो 32nd एडिशन होगा समर ओलंपिक्स का 2020 में, ये होगा टोक्यो में, जापान की कैपिटल टोक्यो में होगा 32nd एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स, इसलिए यहाँ पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है फॉर पैरा एथलीट्स को हेल्प करने के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, टोक्यो। 31st एडिशन कहाँ पर हुआ था, जो 2016 में हुआ था पैरालंपिक्स का? ये हुआ था रियो दी जनेरियो है ब्राज़ील में। ये गेम्स हुए थे 2016 में, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट वाले कहाँ होंगे, यानी कि 2024 वाले? 33rd एडिशन होगा 2024 में, ये होंगे पेरिस फ्रांस में होंगे 2024 में ये समर ओलंपिक्स, ये भी याद रखिए। हो सकता है ये आपसे पूछा जाए कि 2024 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो किस, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, उसका आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डैश एरोस्पेस मेजर बोइंग डिलीवर्ड द 11th C-17 ग्लोब मास्टर 3rd ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स बूस्टिंग इट्स स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज इन अगस्त 2019। कौन सी मेजर एरोस्पेस है जो कि इंडियन एयरफोर्स को C-17 ग्लोब मास्टर 3rd ट्रांसपोर्ट देगी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को अगस्त 2019 में? आपके ऑप्शन है अमेरिकन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन और जापानीज। ये एरोस्पेस कंपनी है अमेरिकन, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, अमेरिकन। ये इसका नाम क्या है, C-17 ग्लोब मास्टर है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, ये इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे अगस्त 2019 में। क्योंकि आपको पता ही है बोइंग कंपनी किसकी कंपनी है, ये कंपनी है यूएसए की, यूएसए की एक और कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। ये दोनों कंपनी हैं काफ़ी फेमस हैं, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, ये दोनों कंपनी हथियार बनाती हैं, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, इसलिए ये न्यूज़ में रहती हैं। कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोइंग किस कंट्री की कंपनी है, उसका आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, दोनों कंपनी हैं यूएसए की। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन हैं? इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं बीएस धनोआ, यानी कि बरिंदर सिंह धनोआ। नेवी के हैं करमवीर सिंह और आर्मी के हैं विपिन रावत, ये भी याद रखिए। सो ये थे बेस्ट 10 करंट अफेयर्स 2nd सितंबर 2019 के, जो हमने डिटेल में डिस्कस किए काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।